अभी 24 घंटे पहले की बात है, हमने मजाक मजाक में कहा था जी फलानी टीम फलाने से हार जाए, फलाने को फलाना हरा दे और फलाने का नेट रेट कम हो जाए तो जी फलानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। हो गया जी, आरसीबी ने 4 मैच लगातार हरा दिया अपने अपोनेंट को। अब खेल था गुरु 2 टीम के साथ, एक सीएसके एक एसआरएच। सीएसके को जीटी ने पीट दिया भाई, और जीटी ने जब सीएसके को पीटा तो जीटी ने अपना कितना भला किया ये पता नहीं, लेकिन आरसीबी के प्रशंसकों की आंखें ऐसे बड़ी हो गई, क्या इस साल वाकई में इस साल कप नाम दे। हाँ मतलब हो सकता है जी, क्योंकि अब इम्पॉसिबल नहीं है, अब पॉसिबल है, माहौल बन रहा है। अगर आरसीबी अपने बचे हुए मैचेस जीत जाती है और थोड़ा सा फलानी टीम फलाने के साथ फलाना कर देती है तो जी खेला हो जाएगा, आरसीबी पहुंच जाएगी और फिर आरसीबी जीत भी सकती है। मतलब ऐसे तो आरसीबी टाइट हुई है फुस, लेकिन अगर आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच गई तो गुरु वो तगड़ी टीम हो सकती है। यार जो टीम 8 में से 7 मैच हारी हो शुरू के, क्या ऐसा हो सकता है कि वह आखिरी के 6 के 6 वो मैच जीत जाए और प्लेऑफ के दरवाजे उसके लिए खुल जाए? हो सकता है। अब तो गुरु अब खेल समझो पॉइंट्स टेबल का, 2 टीमें पक्का है जिसमें केकेआर आरआर का नाम, उनको कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ इंतजार भर की बात है। 11-11 मैच खेलकर वो 16-16 पॉइंट बना चुके हैं, वो क्वालिफाई लगभग कर चुके हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। अब बचता है 3 और 4 नंबर की जगह, मेरे हिसाब से एसआरएच भी ऑलमोस्ट कंफर्म है क्योंकि 12 मैच में 14 पॉइंट उसके, नेट रन रेट जो है काफी पॉजिटिव है और 2 में से 1 मैच वो कोई ना कोई रगड़ देगा, हो सकता है एलएसजी को रगड़ दे। अब एसआरएच का मैच एलएसजी से तो आप ये मान के चलो एलएसजी शायद थोड़ा दिक्कत हो जाए। सीएसके के 12 मैच में 12 पॉइंट है, यानी 2 मैच उनके पास बचे हैं जिसमें से 1 मैच उनका आरसीबी के साथ है, 4 नंबर पर हुआ है। 5 नंबर पर आती डीसी, डीसी भी 12 मैच में 12 पॉइंट है, उनका 1 मैच बनता है आरसीबी से। अब आरसीबी अगर अपने अगले दोनों मैचेस जीत जाती है तो इसका मतलब है डीसी और सीएसके जो है वो 14 पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये कहानी हो गई। डीसी का नेट रन रेट क्योंकि -3 पॉइंट समथिंग है, अगर 1 मैच और हारते हैं तो वो सीधे थैंक यू हो जाएंगे। सीएसके का नेट रन रेट अभी भी पॉजिटिव में है, 1 उनके साथ ही एडवांटेज है, लेकिन सीएसके को अगर आरसीबी ठीक ठाक मार्जिन से हरा देती है, और सीएसके का जो एक और मैच है वो राजस्थान रॉयल्स से है, तो अगर रॉयल्स भी चेन्नई के सामने किंग बन जाते हैं तो फिर सीएसके थैंक यू हो जाएगी सीधे, और अगर राजस्थान रॉयल्स को सीएसके हरा देती है तो आरसीबी को मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो सीएसके को हराएं और ठीक ठाक मार्जिन से हराएं। इससे फायदा क्या होगा कि सीएसके और डीसी को दोनों थैंक यू करके, हालांकि आरसीबी को इस बीच में दुआ करनी होगी कि एलएसजी को एक टीम हरा दे। एलएसजी के 2 मुकाबले हैं, हमने जो कहा था कि सीएसके से उनका मुकाबला है एसआरएच से, वो गलत था। एलएसजी के 2 मुकाबले बचे, 1 मुकाबला है डीसी के साथ, 1 मुकाबला है मुंबई के साथ, तो विराट भाई को रोहित भाई को फोन करना पड़ेगा या पांड्या को कि ए पांड्या यार तुम्हारी टीम तो बाहर हो गई है, हमारा भला कर दो और इनको थैंक यू कर दो। इसके बाद अगर आरसीबी दोनों मैच जीत जाती है तो जी फलानी टीम फलाने को हरा देगी और फलानी टीम फलाने से हार जाएगी और आरसीबी जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। हल कि ये बहुत शॉकिंग है, मेरे हिसाब से सीएसके का बनता था, सीएसके बहुत तगड़ी टीम है और सीएसके क्वालिफाई कर सकती थी, लेकिन सीएसके ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। ये मैच तो उनका बनता था, आई डोंट नो क्यों वो बैक टू बैक, धोनी की आदत है कि वो खिलाड़ियों को बैक करते हैं, उन्होंने सीजन लगातार बैक किया है अजिंक्य रहाणे को, लगातार बैक किया है रचिन रविंद्र को, लेकिन चाहे रविंद्र हो या चाहे रहाणे हो, इन दोनों खिलाड़ियों ने अब तक उस तरह से पे बैक नहीं किया जो सीएसके एक्सपेक्ट करती है, और उसका असर यह है कि सीएसके इस सीजन में बाहर हो गई, और उन्होंने बाहर नहीं हुई मतलब इस सीजन में थोड़ा बैकफुट पे आ गए, बिकॉज 12 में 12 सीएसके डिजर्व नहीं कर, सीएसके इज अ बेटर टीम जो पॉइंट टेबल में दिख रही है, और अगर सीएसके उस नोट पर आ गई है तो फिर यह दिक्कत है। हालांकि सीएसके की मुसीबत क्या है, आगे मैचेस में भी जो होगी उनके मेन बॉलर्स गायब है, दीपक चहर चोटिल हैं, पथराना जा चुके हैं, मुस्तफिजूर जो हैं जा चुके हैं, और टीम जो है फिर शेकी शेकी लग रही है। हालांकि सीएसके मैच हारी लेकिन धोनी ने अपना काम कर दिया, धोनी ने इस मैच में भी ठीक ठाक रन बना दिए और धोनी का पैर वेल छू लिया गया, धोनी ने 11 बॉल पर 26 रन बनाए, इसके बावजूद जो हार है वो ठीक ठाक माइनस हुई 35 रनों से हुई, बट धोनी इससे बेहतर डिजर्व करते थे, धोनी की टीम इससे बेहतर डिजर्व करती थी, धोनी की टीम को जाना चाहिए था, धोनी की टीम में बेहतर लोग हैं, किस्मत थोड़ी खराब थी, सचिन रविंद्र का फ्लॉप होना, रहाणे का फ्लॉप होना, ऋतुराज पूरे सीजन में कमाल खेल रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेट आउट हुए,
तो ओवरऑल उनकी किस्मत अच्छी होकर भी खराब है। क्या ऐसा हो सकता है कि सीएसके क्वालिफाई ना करे? पता नहीं, लेकिन अगर सीएसके क्वालिफाई नहीं करती है तो शायद ये धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है। आई मीन धोनी इस साल भी इश्यूज में है, तकलीफ उनको है, तबीयत उनकी नहीं है, उनको भेज जाता है कि जाइए थोड़ा खेलिए, वो ताबड़तोड़ छक्के चौके मारते हैं, माहौल बनाते हैं, लेकिन सीएसके मैचेस नहीं जीत पा रहे। धोनी जोर लगा रहे, धोनी की तारीफें भी हो रही हैं कि यार चोटिल आदमी है, जोर लगा रहा है, बट क्रिकेट में ये सब याद नहीं रहता है। याद ये रहेगा कि क्या धोनी इस साल चेन्नई में फाइनल खेलेंगे, अगर खेलेंगे दुनिया याद रखेगी, नहीं खेलेंगे तो भूल जाएंगे लोग। खैर, दो मैचेस बचे हैं सीएसके के, एक इंपॉर्टेंट मैच उनका है आरआरआर के साथ, राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन के साथ और विराट कोहली के साथ। क्या विराट कोहली और आरसीबी किस्मत इस साल चमक सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि फलानी टीम फलाने को हरा दे, फलानी वाले फलाने से हार जाए और फलाने का नेट गिर जाए और फलानी टीम जीत आगे पहुंच जाए? हो सकता है।